दिल्ली में दूसरे चरण के ऑड इवन फॉर्मूले के शुरू होते ही राजनीति भी शुरू हो गई है और इसी बीच दिल्ली वालों की मुसीबतें सोमवार से बढ़ती नजर आ रही है। इस मामले को लेकर फिर बीजेपी और अरविंद केजरीवाल आमने सामने आ गए हैं। ऑड इवन ट्रायल के दूसरे चरण में शुक्रवार को जहां सड़क और मेट्रो सेवाओं में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वहीं सोमवार को दिल्ली के लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि ऑटो टैक्सी ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा कर दी है। ऑड इवन योजना में आ रही अड़चनों को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। विजय गोयल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी लोगों से ऑड इवन नियम को तोड़ने की अपील कर रही है। बीजेपी की ऑटो यूनियन ने हड़ताल की घोषणा की है। बीजेपी चाहती है कि ऑड इवन फेल हो जाए, लेकिन दिल्ली बीजेपी को फेल कर देगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने ट्वीट में कहा था कि वो सोमवार को ऑड इवन नियम का उल्लंघन करके अपना चालान कटवाएंगे और साथ ही गोयल ने ऑड इवन योजना को केजरीवाल सरकार की ओर से किया जा रहा प्रचार स्टंट भी बताया था। और अगर सोमवार को टैक्सी यूनियन ने हड़ताल कर दी तो वाकई यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली में ऑटो रिक्शा संघ और टैक्सी यूनियन ने हड़ताल की घोषणा की है। यूनियन के महासचिव का कहना है कि पिछले महीने यूनियन के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर परिवहन मंत्री गोपाल राय से मुलाकात की थी और सरकार ने 15 दिन के भीतर मांग पूरी करने का आश्वासन भी दिया था, जो कि पूरा नहीं किया गया। इसलिए अब हड़ताल के सिवाय कोई और रास्ता नहीं बचा। वही ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन ने इस हड़ताल से खुद को अलग रखने का फैसला किया है। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए चलाई जा रही इस मुहिम पर राजनीति करना कितनी जरूरी है। सभी राजनीतिक दलों को दिल्ली के लिए चलाई जा रही इस मुहिम का हिस्सा बनने की जरूरत है, न कि राजनीति करने की।